बॉलीवुड म्यूजिक हिंदुस्तान के लोगों की रग रग में बसा है। अक्सर यही बात होती है कि पुराने गानों जैसी मेलोडी अब रही नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल कुछ गाने ऐसे आते हैं जो अपने म्यूजिक, बोल और पिक्चराइजेशन की वजह से लोगों की जुबान पर चढ़ ही जाते हैं। बस 2022 में भी कुछ ऐसे ही गाने रहे जिन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे गानों के बारे में। सबसे पहला गाना है नाचो नाचो। साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फिल्म का गाना नाचो नाचो इस साल पार्टियों में बजने वाला सबसे हिट गाना था। इस गाने का हुकअप स्टेप भी काफी वायरल हुआ था। इसमें जूनियर NTR और रामचरण ने फुल एनर्जी डाली थी। इसके बाद बात करते हैं केसरिया की। हाल ही में पेरेंट्स बने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपने रियल लाइफ रोमांस को ब्रह्मास्त्र में रियल लाइफ में भी उतारा था। इसका गाना केसरिया को भी हर किसी ने काफ़ी पसंद किया था। इस गाने को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया था प्रीतम ने और अरिजीत सिंह ने भी इस गाने को रोमांटिक अंदाज में गाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर गाने को बनारस के घाटों पर फिल्माया गया जो इसे खास बना रहा था। कुछ ये गाने भी छाए रहे। हाय चकाचक, अतरंगी रेखा डांस नंबर चकाचक को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसे सारा अली खान पर फिल्माया गया था। इसे श्रेया घोषाल ने गाया था। मैया मैनू जर्सी हिट मूवी तो नहीं रही, लेकिन इसका गाना मैया मैनू लोगों को खूब पसंद आया। डूबे, दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी पर फिल्माए गए गहराइया के डूबे ट्रैक को लोथिका ने डूब डूब कर गाया था। 2022 में लोगों की जुबान पर चढ़े गानों की बात हो तो फिल्म पुष्पा के गाने शिवल्ली का नाम कोई नहीं भूल सकता। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना पर इस गाने को फिल्माया गया था। इस गाने के साथ साथ अल्लू अर्जुन का एक पैर सरकाकर शिवल्ली डांस का हुकअप स्टेप भी काफ़ी वायरल हुआ था। इस गाने को हिंदी में जावेद अली ने गाया था। जावेद ने भी माना था कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी यह गाना इतना हिट होगा। पुष्पा के आइटम सॉन्ग ओम अंटावाम को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इस गाने को सामुंथा रुत प्रभु पर फिल्माया गया।